राधे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, मैं आपके साथ कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगी जो किचन के काम को आसान बनाएगा। आप कम समय में ही स्वाद से एक भरपूर खाना बना सकते हैं। टिप्स नंबर वन, ढोकला को टेस्टी बनाने के लिए ढोकला बनाते समय उसमें थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर डाल देने पर ढोकला टेस्टी बनकर तैयार होता है। तो ये टिप्स बहुत ही अच्छा टिप्स है। अब देख लेते हैं टिप्स नंबर टू, केला और सेब को एक साथ नहीं रखना चाहिए, इससे केला जल्दी खराब होने लगता है। टिप्स नंबर थ्री, आलू के पकौड़े बना रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा कसूरी मेथी और चुटकी भर हींग मिला देने से आलू के पकौड़े का स्वाद अच्छा आता है। अब देख लेते हैं दोस्तों टिप्स नंबर फोर, अगर पास्ता को उबालते समय पानी में एक छोटा चम्मच तेल और चुटकी भर नमक डाल देंगे तो इससे पास्ता चिपकता नहीं है और पास्ता अच्छे से बनकर तैयार होता है और सभी को बहुत पसंद आता है। टिप्स नंबर फाइव, लहसुन को अधिक समय तक स्टोर करके रखने के लिए घर के किसी अंधेरे वाले स्थान पर लहसुन को रख देना चाहिए। टिप्स नंबर सिक्स, अदरक के छिलके को चाकू से नहीं छीले, बल्कि अदरक के छिलके को चम्मच से छीले, इससे छिलका उतारने में आसानी होती है। टिप्स नंबर सेवन, छोटे बच्चे को गाय का दूध पिलाएं। गाय का दूध पीने से शरीर को ताकत मिलता है। गाय का दूध पीने से बच्चों का दिमाग तेज होता है। टिप्स नंबर एट, अगर बैंगन पर सरसों तेल लगाकर बैंगन को पकाते हैं तो ऐसे में बैंगन का छिलका उतारने में आसानी होती है। टिप्स नंबर नाइन, दलिया बनाते समय उसमें इलायची का पाउडर मिला देने से दलिया अच्छा बनता है। टिप्स नंबर टेन, गर्मियों में दही खाने से पेट को ठंडक मिलती है। टिप्स नंबर एलेवन, गैस पर खाना बनाने के बाद सिलेंडर के रेगुलेटर को ऑफ कर देना चाहिए, इससे आग लगने का खतरा नहीं रहता है। टिप्स नंबर ट्वेल्व, आलू का चोखा बनाए तो उसमें प्याज को भूनकर डालने के बजाय प्याज को बारीक काट कर डालने से आलू का चोखा अच्छा बनता है। टिप्स नंबर थर्टीन, मूली के पत्ते को फेंके नहीं, मूली के पत्ते का साग या फिर सब्जी बनाकर खा सकते हैं, यह शरीर के लिए बहुत ही फायदेमंद होता है। टिप्स नंबर फोर्टीन, अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आप ज़्यादा पानी पिया करें। तो दोस्तों, यह छोटी छोटी टिप्स आपको एक स्मार्ट हाउसवाइफ बना सकता है। आप इन टिप्स को ध्यान में रखकर किचन के काम को अच्छे से कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको नई वीडियो समय पर मिलती रहेगी। जय माता दी दोस्तों।